गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स में क्वाड्रेंट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एक पॉइंट है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2, 5 एंड -3, 6। कह रहा है कि इसका एक थोड़ा सा हम एक रफ फिगर यहाँ पर बना रहे हैं और इसे यहाँ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक जैसे यहाँ पर कोई एक दो पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन पास करिए, एक पॉइंट मान लिया कि ये 3 है और ये 6 है और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 2 और 5 है। तो एक लाइन जो है इन दो पॉइंट से पास कर रही है तो इसका अपना कोई स्लोप होगा। और अगर कोई लाइन एक पॉइंट यहाँ पर और है, वह पॉइंट मान लेते हैं कि ये 3 और ये 5 है, सर रफ है, रफ फिगर है। यहां से एक लाइन यहां पर ऐसे इस पर परपेंडिकुलर है, तो आप याद रखिए अगर कभी दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट, जैसे मान लिया कि इस लाइन का स्लोप m1 और इस लाइन का स्लोप m2 है, तब इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा m और m2 बराबर ओ -1 होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तब, अगर एक का स्लोप m1 और दूसरे का स्लोप m2, तो इनका प्रोडक्ट -1 होगा, ये हमेशा होगा, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर कहा है इस लाइन पर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, यानी इस दो पॉइंट से जाने वाली लाइन पर इस वाले पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है वो दोनों परपेंडिकुलर है। इसलिए अगर एक का स्लोप m1 और दूसरे का स्लोप m2 है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो अब हम बड़े आराम से क्या कर, ये इसका हमें दो पॉइंट पता है, यहां से ये लाइन पास करें तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स क्या है, एक तो है 0.25 and -3, 6 यहां से पास कर रही है और इसका स्लोप को हमने क्या माना हुआ है, इसके स्लोप को m1 माना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 upon x2 - x1। अब यहां स्लोप रख लेते हैं तो क्या है, y2 ये 6 है माइनस, और उसके बाद y1 का मतलब 5, उसके बाद x2 इसके वैल्यू रख लेते हैं। यहां पर देखिए x2 क्या है, -3 और -2, यानी ये कितना होगा, 1 upon -5 हो गया। अब एक काम ये करते हैं, अब हम थोड़ी देर के लिए यहां जो पॉइंट -3, 5 से पास करने वाली लाइन और इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप हम m2 मान लेते हैं। मान लेंगे यहां पर लेट m2 be the slope of the line passing through the points passing through the point इस पॉइंट से पास कर रही है -3 और 5 से पास कर रही है, तो हमने इसका स्लोप को m2 मान लिया और m2 अब निकाल लेते हैं। देखिए तो m2 तो हमने बताया ना कि दो लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। भाई एक का स्लोप m1 है दूसरे का स्लोप m2 है, तो m1 into m2 = -1 होगा। अब m1 हमें पता है, m1 की वैल्यू आई है -1/5 और m2 नहीं पता और ये हो गया -1। तो इस तरीके से अब यहां पर हम स्लोप निकाल लेंगे, तो m2 क्या होगा, m2 जो है -+ होगा और ये जाकर के हाँ, यानी m2 की वैल्यू आ गई 5, यानी इस वाली लाइन का स्लोप हमें पता चल गया। देखिए स्लोप हमें पता चल गया, यानी यही जो इसका स्लोप है वो 5 है और ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म स्टैंडर्ड इक्वेशन यहां रखेंगे और इसका इक्वेशन बता देंगे, इसी लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है। तो आप यहां तक कॉपी कीजिए, उसके बाद आपको हम इसके लिए बताते हैं।
स्टूडेंट्स अब यहां पर आगे चलते हैं, यहां लिखते हैं इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ऑफ द लाइन पासिंग पासिंग थ्रू passing through the points, passing through the point, किस point से pass कर रही है, इस point से minus 3, 5 and या with slope लिख लेते हैं, क्या करना है with slope, इसका slope क्या है, इसका slope है with slope 5, इसका slope 5 दिया है, तो slope पता है, point पता है, तो इक्वेशन क्या होगा y माइनस y1 एन x माइनस x1, तो y रहेगा y1, ये y1 है ये x1 है, तो y1 की वैल्यू आ गई 5, n की जगह पर 5 और x रहेगा x1 की जगह पर आ गया माइनस, देखिए माइनस और ये भी माइनस, प्लस 3 हो जाएगा, अब ये हो गया y माइनस 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 5x और ये हो गया प्लस 15, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 5x प्लस y माइनस 5 और ये इधर आया प्लस, इसको 15 को भी इधर ले आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यहां पर देखिए माइनस 5x और प्लस वाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0, व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये हो गया, तो एक अच्छी प्रॉब्लम है, इसको आप कॉन्सेप्ट इसका समझ लीजिए और फिर आपको इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, थैंक यू।